नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं इस्लाम और मालदीव की। तो देखिए, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा तो यहाँ पे अगर इस्लाम में जो समलैंगिकता है वो पूर्ण तरह इसमें हराम है। अगर हराम की बात करूँ तो पूर्णतः निषेध है यहाँ पे इस्लाम में। होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता को अगर इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करूँ तो होमोसेक्सुअलिटी माना जाएगा। तो इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन अगर मैं खबर की बात करूं जो आज इस पर हम चर्चा करेंगे, वो है मालदीव्स की। मालदीव्स में आप सभी को पता होगा कि दो दिन पहले से ही काफी चर्चा में आ चुका है मालदीव्स, और चर्चा भी इसी वजह से आया था कि यहाँ पे जो होमोसेक्सुअली का पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, वो भी देखिए कोई आम जनता नहीं, मालदीव्स के देखिए मिनिस्टर्स, इतने बड़े बड़े देखिए यहाँ पे नेता जो मालदीव्स के थे, जिनसे डायरेक्ट देखिए सत्ता में बिल्कुल कंट्रोल है उनका, वो यहाँ पे समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए पाए गए थे, जिनकी वीडियोस लीक हो गई थी। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता अगर हराम है, तो मालदीव जैसे देखिए इस्लामिक राज्य में, जो पूरा पूरा इस्लामिक राज्य है, उसमें ये सब कैसे चल रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। क्योंकि अगर हम बीते वक्त की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि 21 जून को यानी कि अब से 8-10 दिन पहले ही योग दिवस मनाया जा रहा था मालदीव में। अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप देखिए कि इस्लामिक राज्य में योग दिवस के नाम पर, योग दिवस जब चल रहा था तो देखिए पूरे के पूरे स्टेडियम को घेर लिया जाता है। वहां पे जो उन्मादी भीड़ होती है, जो देखिए जिहादी लोग होते हैं, तो वहां के आके देखिए योगा को पूरा का पूरा जो लोग योगा कर रहे थे उनसे मारपीट करते हैं, सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो देखिए अगर वो इस्लाम के इतने ही बड़े ठेकेदार है जो योगा को एक बोलते हैं कि इस्लाम में हराम मानते हैं, तो अब यहाँ पे जो समलैंगिक हरकतें हो रही हैं उसको कैसे देखते हैं वो लोग? मालदीव में आप देखिए कि बड़े बड़े नेता यहाँ पे हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं, होमोसेक्सुअल जो एक्टिविटीज है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस्लाम में जो हर चीज हराम है वो मालदीव के नेता कैसे कर रहे हैं, और आम जनता पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो देखिए कि जो राज्य नुपुर शर्मा पे इतने भड़के थे, जो इस्लामिक राज्य थे, जो नुपुर शर्मा के बयान पर इतने भड़क गए थे कि भारतीय जो राजदूत थे उनको तलब कर लिया गया था, कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, पाकिस्तान बोल रहा था इतना। तो ये जो 3-4 जो देश अपने आप को जो इस्लाम का सरपरस्त मान रहे हैं, वो मालदीव पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, जो कि देखिए इतना बड़ा कृत्य करता जा रहे हैं वहां के लोग, यहाँ पे बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, अब उनका ध्यान मालदीव पर क्यों नहीं जा रहा? भारत में देखिए कि वो एक अपनी सेलेक्टिव आउटरीच की वजह से यहाँ पे भारत पर ध्यान देते हैं, लेकिन मालदीव पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो बस देखिए कि इसी खबर में हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि जो चीजें देखिए भारत को पॉइंट आउट करने के लिए, जो इन देशों का सेलेक्टिव आउटरीच है, वो अगर भारत की तरफ हो सकता है, देखिए उनका ध्यान मालदीव पर क्यों नहीं हो सकता? तो लगातार इसी तरह की खबरें आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन पर।